देखो 99% लोग नहीं जानते कि चाइना में कुछ इस तरह से धनिया की खेती होती है, जहाँ पर यहाँ के लोग 12 महीने हरी धनिया का यूज करते हैं, जिसे बटर फ्लाइंग खेती कहते हैं। देखो जब भी एक जगह से दूसरी जगह हरे केले को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया जाता है, तो केलों को कुछ इस तरह से प्लास्टिक के फॉर्म में पैक किया जाता है, ताकि ट्रांसपोर्ट के समय ये डैमेज ना हो और खराब भी ना हो। देखो कीचड़ में पाए जाने वाली बड़े पत्ती वाले जो पौधे होते हैं, इनके नीचे एक छोटा सा फल होता है और उस फल को कुछ इस तरह से निकाला जाता है, जिसके अंदर ऐसे बीज निकलते हैं जो कि काफी महंगे बिकते हैं। ये कॉटन से उसके बीज निकालने की काफी गजब की देसी जुगाड़ है, जिससे देखो बीज अलग हो जाता है और कॉटन अलग हो जाता है। और अभी तक आपने काफी सारे प्लांट की खेती देखी होगी, लेकिन ये यूनिक तरीका ग्रीन हाउस में सरसों के प्लांट को तैयार करने के लिए किया जाता है, जो कि काफी गजब है।